अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, दैट इज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। ये हमारी डेली लाइफ पे बेस करता है और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। लेकिन जितना ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही ये ज़्यादा वेटेज रखता है। इस चैप्टर में से मिनिमम जो है, मिनिमम 10 to 11 मार्क्स का पेपर लाजमी आता होता है। अगर हम इसकी वेटेज को कैलकुलेट करें, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, 3 2 नंबर का, एक 3 to the 6, एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाएगा, 6 for 10, और एक या दो एमसीक्यूज, यानी 10 11 12, इस रेंज में जो है ना, इस चैप्टर में से आपका मिनिमम पेपर आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। चलें चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ, पहले टॉपिक की तरफ, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हम बॉल को जमीन पे रोल करवा रहे हैं, अगर पेंसिल जमीन पे रोल कर रही है, इंसेक्ट्स वगैरह जमीन पर चल रहे हैं, और एक कार रोड पे मूव कर रही है, हम खुद पैदल चल रहे हैं, यानी हम सारे मोशन में हैं, हम उसको स्टडी करेंगे। हम ये नहीं स्टडी करेंगे कि ये मोशन में क्यों है। हम उनकी रीजंस को स्टडी नहीं फिल वक्त करेंगे। हम सिर्फ इतना ही स्टडी करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में मौजूद है। डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। हम यहाँ पे ये स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में मौजूद है, बट ये स्टडी नहीं करेंगे कि उसकी रीजन क्या है मोशन में आने की। एग्जाम्पल में आ जाता है ट्रेन मूविंग मूविंग वाटर इन अ रिवर। अब ट्रेन मूव करती है, हम ये नहीं रीजन फाइंड आउट करेंगे क्यों मूव कर रही है। पानी जो है वो एक दरिया में बहता है, हम ये वजह नहीं ढूंढेंगे वो क्यों बहता है। हम ये कहेंगे कि भाई वो बह रहा है, वो मोशन में है। अब इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, और रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन, लीनियर मोशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलें चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, एक बॉडी जो है वो रेस्ट में होती है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। जैसा कि अभी आप बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहे हो, आप रेस्ट में हो। ये तो नहीं है कि आप चलते चलते मेरा लेक्चर सुन रहे हो, बैठ के सुन रहे हो ना, तो इट्स मीन आप रेस्ट में हो। कहता है अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर वो अपने इर्द गिर्द माहौल के लिहाज से अपनी पोजिशन को चेंज नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट, तो वो रेस्ट में। एग्जाम्पल्स में क्या है, स्लीपिंग, जब आप सो रहे होते हैं आप रेस्ट में होते हैं। ऐसा तो नहीं होता आप सोते सोते चलते हैं, आप सोते सोते दौड़ते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, यानी आप रेस्ट में मौजूद होते हैं। सिटिंग, जैसा कि आप बैठे हुए हैं। स्टैंडिंग, अगर मैं कह दूं खड़े हो जाओ भाई, तो आप खड़े हो जाओगे, इट्स मीन आप रेस्ट में हो, आप मूव नहीं कर रहे। स्वेरिंग, लेइंग, अ फिक्स क्लॉक, बॉटल केप्ट ऑन अ टेबल, अ स्टॉप कार, ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं रेस्ट। मोशन, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक बॉडी मोशन में तब होती है जब वो अपनी जगह को बदल लेती है अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से। मिसाल के तौर पे आप वॉक कर रहे हो, आप रन कर रहे हो, या मूविंग कार है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम है, मोशन ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल है, फ्लाइंग मॉस्किटोज हैं, या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन है। यानी कि डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। अब आप देखो, एक गाड़ी जा रही है तो मोशन में है, आप भागे जा रहे हो आप मोशन में है, एक बॉल जमीन पे आगे रोल करती जा रही है तो वो मोशन में है। होप सो रेस्ट एंड मोशन दोनों क्लियर हो गया होगा। आगे टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन। हम तकरीबन ये ऑब्जर्व भी करते हैं, देखते भी हैं कि जो हमारी कायनात है ना, वो एक मोशन में है, लेकिन जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, वो डिफरेंट टाइप का मोशन करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जाते हैं, कुछ कर्व्ड हो जाते हैं,
और कुछ दूसरे तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन यहां पर तीन टाइप्स होती हैं मोशन की, एक ट्रांसलेटरी मोशन है, और ट्रांसलेटरी मोशन की भी नेक्स्ट टू टाइप्स हैं, लीनियर और थ्री टाइप्स, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। रोटेटरी मोशन सेकेंड टाइप ऑफ मोशन, एंड द लास्ट वन इज वाइब्रेटरी मोशन। पहली टाइप है जी ट्रांसलेटरी मोशन। कहता है देखें कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करते हैं, क्या वो स्ट्रेट लाइन में है, क्या वो सर्कल में है। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, एरोप्लेन है वो किस टाइप का मोशन करता है, वो ट्रांसलेशनल करता है। ट्रांसलेशन मोशन होता क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी एक ही लाइन पर रहते हुए रोटेट करती है। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, वो लाइन कर्व भी हो सकती है। अब जब वो एक ही लाइन में रहते हुए मूव करती है, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, वो कर्व भी हो सकती है। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। फिगर 2.3 कहता है ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व पाथ। आप रोड पे जाते हो ना, रोड बाजू का टर्न भी करता है, यानी कि आप वहां पे ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हो। आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, लेकिन समटाइम आप कर्व भी करते हो। अगर ये डायग्राम नंबर 2 में आपको एक फेरिस व्हील दिखाई दे रहा है, ये जहाँ पे मेरा माउस एरो है, यहाँ पे आप लोग देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। और ये अगर इसको इसको देखें, ये जो सेकंड है ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि ये जो दोनों हमारे पास, ये फेरिस व्हील में जो मूवमेंट है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बट अलोंग द लाइन, इसी लाइन में रहते हुए रोटेट कर रहे हैं ये। नेक्स्ट आ जाता है लीनियर मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव करता है बट नॉट अलोंगा, देखें यहां पे क्या था, इन ट्रांसलेशन मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। अलोंग अ लाइन मूव करती है, लेकिन यहां पे क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नॉन एज इट्स लीनियर मोशन। जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है बॉडी की, वो लीनियर मोशन।